विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी के सेनापति के रूप में स्वयं पूजा जाते हैं काल भैरव। काल भैरव जन्मोत्सव का प्रीति योग में काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। काल भैरव का यह मंदिर भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जहां दूर दूर से तंत्र साधना के लिए भी तांत्रिक व अघोरी साधना करने आते थे। इस बार प्रीति योग होने के कारण शेष महत्व बना है। बाबा काल भैरव यहाँ पर स्वयं मदिरा पान करते हैं। यह चमत्कार को देखने लोग देश ही नहीं विदेशों से आते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद के रूप में मदिरा लाते हैं पुजारी द्वारा, वह शराब बाबा के मुख पर एक प्याले में लगाई जाती है। ये शराब पल भर में गायब हो जाती है। और इस बार जो काल भैरव अष्टमी का दिव्य योग बन रहा है, जो कि प्रीति योग जो आता है प्रीति योग में बन रहा है, और इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा कि मध्य रात्रि में भगवान काल भैरव महाराज की साधना किया जाए। साधना से भगवान काल भैरव प्रसन्न हो और हमारे पर जितने भी दुष्ट बाधा है, नकारात्मक शक्तियां हमारे क्षेत्र में, हमारे रहवासी क्षेत्र में तथा हमारे उज्जैन क्षेत्र में तथा भारतवर्ष में काल भैरव के अलग अलग जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में भगवान काल भैरव का पूजन होगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि हे काल भैरव महाराज, आप हमारे भारतवर्ष को तथा पूरे देश को तथा पूरे विश्व को आप नकारात्मक शक्तियों से दूर रखें तथा उनकी रक्षा करें। और मुख्यतः भगवान काल भैरव का जो उपासक होते हैं, अघोरी लोग, अघोरी पंथ के जो लोग होते हैं और जो उनकी सिद्धियां प्राप्त में कपालिक होते हैं, वो उस समय भगवान काल भैरव को प्रसन्नता के लिए भोग दीप धूप आदि उनसे पूजन करना चाहिए। और काल भैरव का पूजन सामान्य व्यक्ति को भी करना चाहिए। उनके पूजन से, भगवान काल भैरव के पूजन से नकारात्मक शक्तियां जो अपने भूत प्रेत आदि बाधा हैं, वो सभी दूर होती हैं। इसलिए भगवान काल भैरव का पूजन अष्टमी के दिन अवश्य करें। और अधिकतर अष्टमी को जो है भगवान काल भैरव का व्रत भी किया जाता है, तो उस समय व्रत करना बड़ा लाभदायक होगा। और इस समय जो प्रीति योग में 5 तारीख मंगलवार का कहा गया है काल भैरव अष्टमी, और 6 तारीख को यात्रा निकलेगी। जैसे काल भैरव अष्टमी जो प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ जो है 4 तारीख को सोमवार के दिन रात्रि 9:45 पर काल भैरव अष्टमी प्रारंभ होगी। उसके पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय होगा भगवान काल भैरव अष्टमी का, और उसके पश्चात 6 तारीख के दिन यहाँ पर भगवान काल भैरव नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे।